जैसे ही हम टास्क लोकेशन पे पहुंचे तो सामने हमने देखा हरियाली सी थी और पहाड़ नजर आ रहे, मतलब बहुत अच्छा सीन नजर आ रहा था, और सामने ही अपना टास्क भी नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। What's up, roadies? Hello. All right. जब आपको ये पता चला कि इस साल रोडीज भूटान आ रहा है तो आई एम श्योर कि आप सबने थोड़ी बहुत रिसर्च तो की होगी। भूटान का नेशनल स्पॉट क्या है? That is right. Well, आज का आपका टास्क आर्चरी के इर्द गिर्द है। इस टास्क को हर गैंग से दो रोडीज परफॉर्म करेंगे, एक लड़का और एक लड़की। पहला रोडी दिए गए टेबल पर एक पिरामिड फॉर्म करेगा। सही तरीके से पिरामिड फॉर्म करने पर आपको दिखाई देगा आपके गैंग लीडर्स के इनिशियल्स। आपके सामने ऑपोजिट गैंग के तीन आर्चर्स होंगे। ये आर्चर्स या तो गैंग मेंबर्स हो सकते हैं या फिर गैंग लीडर्स। आर्चर्स का काम सिंपल है, उन्हें इस पिरामिड को तोड़ना है। Well, that's when your second roadie comes in. वो आपके पिरामिड को एरो से बचा सकते हैं। जो भी सबसे पहले इस पिरामिड को फॉर्म कर देता है सही तरीके से, वही आज गैंग इम्यूनिटी टास्क जीत जाएगा। तो गाइज, ये है आपका उड़ता तीर टास्क। I got so happy क्योंकि मैंने बचपन में इतने पजल बनाए हैं। वो रिटर्न गिफ्ट में पजल मिलता था, वो ऐसे जोड़ जोड़ के, you know? मैं तो बिल्कुल एकदम फुल ऑन रेडी था यार, कि बस तीर कमान हाथ में पकड़ा है और दे दनादन मारो यार जो सामने है। तो चलिए, आप चारों में से पहले कौन जाएगा? Any volunteers? Well, easy peasy choice, Prince, आप यहाँ पे आ जाए। Alright, Prince, इस नंबर पे कौन जाएगा? हम। Okay. इस नंबर पे कौन जाएगा? नेहा। इस नंबर पे कौन जाएगा? करण। प्रेम। ऑलराइट, रंजन गैंग, गेट रेडी। टास्क हम दोनों को करना है, मुझे और तलाशा को। मुझे जब वो मास्क पहनाया गया, फेस पे एक शील्ड दी गई और एक रस्सी, तो मैं ये फील कर रहा कि जैसे ग्लैडिएटर होते हैं कि मुझे अपने पार्टनर की रक्षा करनी है तीरों से। मेरे सामने अटैकर्स थे नेहा, मैम, गौरव और नवदीश। ऑलराइट, आर्चर्स रेडी? यस। हियर्स योर इमेज। रूबल रेडी? यस मैम। एंड योर टाइम Start now. Come on. Tarasha, you can do it. Chal. Very good. I think दो तीन गए थे अगल बगल से, वाले वुश। Oh, nice. Very good. Come on. भाई इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई कोई भी आ जाए आज, उसका तीर तो वापस उसी के लग जाएगा। वेरी गुड, नाइस वन नेहा, गुड जॉब। जब हम एरो मार रहे थे तो एरो साइड से जब निकल रहा था तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम महाभारत में देखते हैं ना, कि मतलब एक तीर मारते हैं तो कितने सारे तीर। मैं सोच रहा था एक तीर मारे और कितने सारे निकले और इनकी पजल टूट जाए। almost. पर नहीं, वहां पे महाभारत नहीं चलती, सिर्फ एक तीर निकल रहा है। एम करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। And we were just busy doing the task, एक एक फोटो करके, तो 6 हो गया। I was confident. 5वां हो गया, I felt better. Yay, good job. बगल से मेरी काफी तेज तीर जा रहे हैं, फिर भी मैंने कोशिश की कि तराशा तक वो तीर ना पहुंचे और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, जल्द से जल्द पैरामिड बन जाए। तराशा हो गया, बहुत बढ़िया, जल्दी कर।
Make sure it is in. उसके तीर से काफी तेजी से आ रहे थे, मैं थोड़ा सा घबरा भी जाता हूँ कि इससे चोट भी लग सकती है। बहुत तीर मारने में बहुत मजा आया, उनको काफी जोर से लगी भी थी। आई थिंक वो जितने पूरे सीजन की भड़ास है वो एक ही बारी में निकल गई थी। जल्दी I took a minute and I said nahi. Ek ek block mein tally kiya and then I was like done. Bahut badhiya. Perfect. I felt proud, Ranvi just over smiling. Our leader is satisfied. Bas aur kya chahiye? Uske baad number aaya Divya aur mera. So us samay mujhe Divya ko guard karna tha aur Divya ko puzzle solve karna tha. Don't get excited, guys. Calm, Divya. Don't react to anything. Kuch bhi nahi. Chahe arrow, chahe awaaz, kuch bhi nahi. What I love about her is itni aag hai Divya mein ki jab bhi wo task karne jaati hai, I wait to see ki wo kaise perform karegi. All right, archers ready? Yes. Yes. Satish, Divya ready? Yes. Ready. All right, your time starts now. Whoa. पीछे से ये आवाज आ रही है कि तुम्हारा टाइम जा रहा है, टेबल पर रखो, टेबल पर रखो। चल, that's it, Divya. इतना मत देख, इतना मत कर। Come on. फिर मैंने जल्दी से टेबल पे रखा विदाउट सॉल्व किए नीचे। चल, come on, Divya. चल, Divya, जल्दी कर। ओ तेरी। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि हो क्या रहा है, कितने बॉक्सेस हो पीछे से, इतनी आवाजें जो आ रही थी। बनने दे दिव्या, चल कुछ भी कर, बना ऊपर रख, कुछ भी बना दे। स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लेयर, नीचे से स्टार्ट।